फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन रेसिपी चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पाइसी ढाबा स्टाइल चिकन हांडी की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आप जान पाएँ। चलिए तो फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है 500 ग्राम चिकन। सबसे पहले हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे ताकि चिकन में मसाले अच्छे से चले जाए और चिकन जूसी सा बने। मैरिनेट करने के लिए हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 लेमन का जूस डाल लेंगे, फ्रेश धनिया पत्ती डालेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्ची, कुछ अदरक के पीसेस काट के डाल लेंगे। हम सभी मसाले को चिकन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं। चिकन को अच्छे से हम मसाले के साथ कोट कर लेंगे। मसाले अच्छे से चिकन में लग चुके हैं, तो अब हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अराउंड 1 आवर के लिए। ये तो हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। जैसे कि जनरली ढाबा वाले लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं, मैंने भी आज यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई ले लिया है। हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे 8 से 9 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने तक वेट करेंगे। लोहे की कढ़ाई को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए हम कुछ प्याज के पीसेस डाल के देखेंगे। हम देख सकते हैं प्याज अच्छे से भूंज रहा है, यानी कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम ऐड कर लेंगे 4 से 5 लाल खड़ी मिर्ची, डाल लेंगे 2 बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के प्याज। हमें प्याज को अच्छे से पका लेना है जब तक प्याज सॉफ्ट हो जाए, लाइट ब्राउन कलर का हो जाए। मैं यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम में प्याज को पकाने जा रही हूँ कि प्याज जले ना और मीडियम आंच में पक जाए। हम कढ़ाई में ढक्कन लगा के इसे पका लेंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में। 3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, प्याज जो है अच्छा सॉफ्ट हो गया है और देखने में भी ये लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो अब हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो हमें जिंजर गार्लिक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से पकने देना है। हम तब तक पकाएंगे जिंजर गार्लिक और ओनियन को जब तक उसमें से उसका स्मेल ना चले जाए। प्याज, जिंजर गार्लिक की पेस्ट सभी को हम अच्छे से पकने देंगे करीब 1 मिनट के लिए। देखते हैं प्याज अच्छे से गल गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 कटे हुए टमाटर। टमाटर को बाकी मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से पकने देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को हम पकाएंगे जब तक वो सॉफ्ट हो जाए। जब तक टमाटर गल लेना तब तक हमें इसे पका लेना है। बीच बीच में इसे चम्मच चलाते रहना है ताकि जो मसाले हैं वो कढ़ाई से लगे ना। ध्यान देना है कि आपका मसाला जलना नहीं चाहिए, आप इसे लो मीडियम फ्लेम में पकाएं। देख सकते हैं प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर भी गल गया है। हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अच्छा कलर आने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर। हम यहाँ पे कोई फूड कलर ऐड नहीं करने जा रहे हैं। रेड कश्मीरी लाल मिर्च और अच्छे कलर के टमाटर यूज़ करने से आपकी करी का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब हमें सभी मसाले को अच्छे से मिला लेना है। मसाले अच्छे से मिल गए हैं तो अब हम मसाले को पकने देंगे लो फ्लेम में करीब 2 से 3 मिनट के लिए। बीच बीच में हमें इसे चम्मच चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई से लगे ना। मसाले को जितना पकाएंगे उतनी ही टेस्ट आपकी करी में आएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मसाले इस स्टेज में बहुत ही अच्छे से पकने चाहिए। आपको ये मसाले तब तक पकाना है जब तक मसाले में से तेल निकलने लगे। मसाले का अमाउंट भी आधा हो जाएगा और मसाले अच्छे से पक कर तेल भी छोड़ने लगेंगे, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। ध्यान रखना है हम मसाले को लो फ्लेम में पकाएंगे और बीच बीच में इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले ना। 3 से 4 मिनट के लिए हम मसाले को इसी तरह अच्छे से पका लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाला पक गया है, मसाले की अमाउंट भी कम हो गई है और मसाला तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन पीसेस डाल देंगे। अच्छे से हम मिला लेंगे चिकन को मसाले के साथ। अच्छे से चम्मच चलाते हुए हमने चिकन को मसाले में मिला लेना है ताकि चिकन में पूरे मसाले की कोटिंग हो जाए। तरह चिकन और मसाले मिल गए हैं। अब हम चिकन को पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम में करीब 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए तो बहुत ही जल्दी पक जाता है, तो इसलिए हमें चिकन को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम इसमें कुछ लंबे कटे हुए अदरक और कुछ हरी मिर्ची डाल लेंगे। इसको एक बार इस तरह मिला लेंगे। आपको बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई से ना लगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो या कोई स्पेशल दिन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मसाले के साथ अब पकने लगा है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 टीस्पून दही। डालने से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ये ज़रूर डालें। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से एक बार। हमें इसे दही के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है जब तक चिकन और मसाले तेल छोड़ने लगे। देख सकते हैं मसाले तेल छोड़ने लगे हैं। तो अब हम ऐड कर लेंगे 1/2 ग्लास पानी। पानी डालने से मसाले और अच्छे से चिकन के साथ पक जाएंगे, चिकन में मसाला काफ़ी अच्छे से चले जाएगा। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम में चिकन को पका लेंगे।
चिकन भी पककर पानी छोड़ने लगेगा और जो करी है जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। देख सकते हैं करी अब गाढ़ी होने लगी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और इसे अच्छे से मिला लेंगे करी के साथ। और ऐड कर देंगे हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून बटर। फ्रेंड्स, बटर और फ्रेश क्रीम इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसके कारण इसमें बहुत रिचनेस आ जाती है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। घर में बना रहे हैं इसलिए इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल रहे हैं, ढाबा वाले इसमें बहुत सारा बटर डालते हैं जिसके कारण इसमें बहुत सारा ऑयल दिखता है, बहुत बटरी सा टेस्ट आता है। चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा और बटर ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रेश क्रीम और बटर के साथ करी को पकने देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में। देख सकते हैं चिकन करी बहुत ही अच्छे से पक गया है, जो उसका जो करी है वो थिक हो चुका है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। हम मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और पकने देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मसाले पक चुके हैं। अब लास्ट में हम ऐड कर देंगे कुछ फ्रेश धनिया पत्ती और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसे मिला लेंगे एक बार। इस तरह हमारा ढाबा स्टाइल स्पाइसी चिकन हांडी रेडी है। चिकन हांडी स्टीम राइस, तंदूरी रोटी, कुलचा के साथ बहुत अच्छे से जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, घर में सबको खिलाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।